तो इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू डीएक्टिवेट फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें इसके बारे में सिंपली मैं आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लें। यहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को चूज़ करते हैं एंड यहाँ से ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और सर्च टैब बार में यहाँ पे हम सिंपली FB लॉगिन टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा, फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम जिस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना उस अकाउंट को लॉगिन करके हम डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ से आएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अगेन हम चूज करेंगे सेटिंग को। ओके, सेटिंग को चूज करने के बाद यहाँ पर इस पर आएंगे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, देन इसके बाद इसको हम स्क्रोल डाउन करेंगे। ओके, यहाँ से डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डीएक्टिवेट अकाउंट है, डीएक्टिवेट का अकाउंट भी यहाँ से कर सकते हैं एंड इसको अकाउंट को परमानेंटली डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं डीएक्टिवेशन अकाउंट एंड परमानेंटली डिलीट अकाउंट में डिफरेंट क्या है। डीएक्टिवेट अकाउंट का मतलब ये हो कि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो इस आईडी को फिर से आप यूज कर सकते हैं, जितने भी आपके पोस्ट फोटो एंड फ्रेंड होंगे वो सब रिट्राइव हो जाएंगे, बट आप जब भी अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो इन फ्यूचर आप इस अकाउंट को कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं और इसके यूजर आईडी से भी आप कभी भी अकाउंट को कोई दूसरा अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंट है, और जैसे हम डीएक्टिवेट अकाउंट करते हैं तो इन फ्यूचर हम कभी भी अकाउंट को फिर से यूज कर सकते हैं एक्टिवेट करके। ओके, तो डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जैसे कि दिस इज टेम्प्रोली आई बी बैक, यहाँ से हम रीजन देंगे कि हम क्यों उसको छोड़ रहे हैं। ओके, ये रीजन हम दे दिए और यहाँ सिंपली लॉग आउट पर क्लिक करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से कई सारे रीजन हैं कि आई डोंट फाइंड फेसबुक यूजफुल, जो भी आपका रीजन हो उसमें आप रीजन दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए एंड इसके बाद पूरे नीचे पर आएंगे और सिंपली यहाँ से हम डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, तो आप समझ पाए होंगे कि मैं अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। अगर चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर आप कभी अकाउंट को यूज करें तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करिए कि इन फ्यूचर आप कभी भी अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम डेज भी मेंशन कर सकते हैं, 1 डे 3 डे 7 डे जो भी हो। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि अकाउंट को फेसबुक अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं।